उनके मानव प्रसन्नता की लहरें उठ रही थीं। आकाशवाणी को सुनकर सभी के मन में भगवती के प्रति भक्ति जग उठी थी। इतने ब्राह्मण में प्रधान मुनिगण भक्ति पूर्वक भगवती की उस आराधना में तत्पर हो गए, जो संपूर्ण फल प्रदान करने वाले इमें वेदों में वर्णित है। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। जैसा कि आज आपने कथा सुनी, इसमें बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। आशा करता हूँ कि इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर इसको आप फिर भी दोबारा इसको बार बार सुनेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि भगवान नारायण ने माता भगवती का जो हवन किया गया था वो क्यों किया था। माता देवी भागवतम पुराण के अनुसार श्री वेद व्यास जी महाराज ने जो माता की महिमा का वर्णन किया गया है, उसमें राजा जनमेजय जी ने पूछा कि हे प्रभु, हमें माता की महिमा के बारे में वर्णन किया जाए। तो इस कथा का आरंभ करते हैं। राजा जनमेजय ने कहा कि दिव्यर श्री हरि ने भगवती जगदम्बा का यज्ञ किया। ये प्रसंग मैं विस्तार से सुन चुका। अब आप मुझे भगवती की महिमा विषाद रूप से बताने की कृपा कीजिए। विपरवर देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनके उत्तम यज्ञ अवश्य करूंगा। फिर तो आपके कृपा प्रसाद से मेरा जीवन परम पवित्र बन जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूंगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूं। राजेंद्र, कोमल कोसल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वे महान तेजस्वी राजा पुष्य के सुपुत्र थे। उनका नाम ध्रुवन सिंध था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र व्रत का पालन करने वाले और आश्रम धर्म के पूरे समर्थक थे। समुद्रशालिनी अयोध्या उनकी राजधानी थी। राजा ध्रुवंत के शासन काल में ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एवं अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोरी, चुगलखोर, धुरुत, पाखंडी, कंधंद और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते थे। कुरुक्षेत्र इस प्रजा प्रकार राजा ध्रुवंती जीव चरनी चल रहे थे। उनकी दो स्त्रियां थीं जो बड़ी सुंदरी एवं स्वामी की इच्छा पूर्ण करने में सदा तत्पर रहती थीं। राजा की एक धर्मपत्नी का नाम मनोरमा था और रानी अत्यंत सुंदरी एवं विदुषी थी। दूसरी रानी लीलावती भी वैसे ही रूप और गुण में संपन्न थी। राजा ध्रुव सिंध उन पत्नियों के साथ नाना प्रकार के ग्रहों, उपवनों, पर्वतों, बालवियों और राजमहल में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। उनकी रानी मनोरमा शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। उसके शरीर में सभी राजोचित चिन्ह वर्तमान थे। दूसरी रानी लीलावती ने भी एक महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया। उस समय शुभ ग्रह का दिन और शुक्ल पक्ष था। राजा ध्रुव सिंध ने
दोनों कुमारों के जात कर्म आदि संस्कार किए। पुत्र जन्म के आनंद उत्सव में ब्राह्मणों को प्रचुर संपत्ति बांटी गई। राजन महाराज ध्रुविंद उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड प्यार में उन्हीं के कभी भी भेदभाव नहीं रखा। उन परम तपस्वी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से अपने विपर के अनुसार विधि पूर्वक दोनों कुमारों का चूड़ाकर्म करण संस्कार किया। मुंडन हो जाने पर उन दोनों सुंदर कुमारों ने राजा के मन को मोहित कर दिया। खेलते समय वे बालक सभी के मन को मधुर करते थे। उन दोनों कुमारों ने सुदर्शन बड़ा लड़का था। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजित था। उसकी बोली बड़ी मधुर थी, मधुरभाषी और अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी वो राजकुमार विशेष प्रेम पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा ध्रुवसिंधी जैसे उसमें प्रतीति थे, वैसी प्रति मंद भाग्य होने के कारण सुदर्शन में ना ही। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुवसिंध एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी से महान रोष में भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया। पहले तो उन नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुंह छेद दिया, जिससे वो अत्यंत कुपित होकर राजा को मारने को सामने देखते ही मेघ की भांति अत्यंत गंभीर स्वर में गाई उठी। उसकी क्रोध अग्नि धक धक उठी थी। अत्ते पूंछ ऊपर उठाकर गर्दन के लंबे बालों को फहराता हुआ राजा ध्रुवंश को मारने के लिए आकाश से कूद पड़ा। महाराज ने सिंह को सामने आते देखकर तुरंत दाहिनी हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल उठा ली, आगे डट गए मानो कोई दूसरा सिंह ही हो। नरेश के जितने सेवक थे वे भी सब के सब क्रोध में भर कर सिंह पर पृथक पृथक बाण चलाने लगे। चारों ओर से हाहाकार मच गया, रोमांचकारी लड़ाई छिड़ गई। एक बार वो भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा, ऊपर झपटा देख ध्रुवसिंधु उस पर तलवार की चोट की। फिर भी उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झटपट राजा को चीर डाला। जब सिंह के नखों से अक्षत विक्षत होकर राजा जमीन पर गिर पड़े और उनके श्वास की गति बंद हो गई, सैनिकों में चिलचिलाहट मच गई। उन लोगों ने फिर अनेकों बाण सिंह पर मारे, जिससे राजा की भांति वो सिंह भी वहीं प्राणों से हाथ धो बैठा। सैनिक राजधान में बैठे
लौट आए और उन्होंने प्रधान मंत्रियों को इस दुर्घटना की सूचना दी। महाराज ध्रुवंश मृत्यु का सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कराया। वशिष्ठ जी ने परलोक में सुख पहुंचाने वाली सारी पालकीक क्रिया वहीं विधि पूर्वक संपन्न कराई। तदनंतर प्रजावर्ग मंत्री मंडल और मुनिवर वशिष्ठ सब के सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। प्रधानमंत्री कहा कि ये राजकुमार सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पेट से उत्पन्न हुआ है। ये बड़े शांत स्वभाव और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। बालक होने पर भी धर्मात्मा राजकुमार घीड़ा का अधिकारी समझा जाता है। जब सभी वयोवृद्ध मंत्रियों ने राजा निश्चित कर दी, तब समाचार पाकर उज्जैन का राजा युधिष्ठिर यथा शीघ्र अयोध्या आ गया। राजा ध्रुविंधक मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित को समाचार दे दिया था, जिसे सुनकर अपने दोहित शत्रुजित का हित साधन करने के विचार से उज्जैन पिता का अग्न आगमन हुआ। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दोहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ संपर्क समयों में सैनिक थे, शिक्षित बड़ी भयंकर थी। राजा हरिड़ किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रणा आरंभ कर दी। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। देवी भागवतम पुराण के अनुसार एक राजा था जिसकी कथा आपने सुनी कि जो अयोध्या नगरी के राजा थे, उनको भगवान ने दो पुत्र दिए और उनकी मृत्यु कैसे हुई कि एक सिंह के साथ एक शेर के साथ लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि विधि के लिखे हुए को कभी कोई पलट नहीं सकता। जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने से पहले उसने बहुत प्रयास किया कि उस शेर को मार सकूं, लेकिन वो राजा उसको मारने में असफल रहा। जब उसकी मृत्यु हो चुकी थी तो मृत्यु के बाद बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उनका दाह संस्कार करके मंत्रों द्वारा उसके अंतिम यात्रा को सफल किया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आ जाती है कि जब ऋषि मुनियों ने उनकी अंतिम यात्रा को सफल किया तो हमें इन्हीं शास्त्रों से हमें ज्ञात होता है, हमें इन्हीं शास्त्रों से ज्ञान की प्राप्ति होती है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए घर में हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ इसीलिए करते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा सफल हो, आगे का जो सफर होता है वो उनका सफर जो होता है वो सफल हो। जब राजा का की अंतिम यात्रा का कार्य संपन्न हो गया तो अब उसकी दो पत्नियां थी, अब दो पत्नियां थी तो दोनों पत्नियों के जो पिता थे, अब जो मंत्रियों ने डिसाइड किया आपस में, एक बच्चे को राजा बना दिया और दूसरे को नहीं बनाया। इतने में ही जब दूसरे राजा
आगे दोनों राजा, आगे दोनों जो राजा के सुसर थे दोनों, वो दोनों वहां पर आ जाते हैं। तो माता भगवती की महिमा को हम जानते हैं कि अगले एपिसोड में हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि माता भगवती की जो महिमा है, जो लीला है, उसको कैसे सफल किया जाता है, माता की लीला कैसे होती है, माँ का जो इंसाफ होता है माता भगवती का, वो इंसाफ कैसा होता है। तो हमें इस बात के लिए सीख मिलती है कि कभी भी, अगर भगवान ना करे कभी माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो हमेशा उसका फैसला भगवान ही करते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम हर बात भगवान के ऊपर छोड़ दें। हमें खुद से भी प्रयास करना होगा, अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चलना होगा। जब हम अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चलेंगे तो भगवान हमारा साथ देंगे। अगर हम कुछ नहीं करेंगे घर में, अगर बेकार बैठे रहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि जी भगवान की मर्ज़ी, तो भगवान ने हमें ये नहीं कहा कि आप हाथ बांध कर अपने घर में बैठ जाओ। हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी और भगवान का आश्रय लेना होगा, ना कि किसी इंसान का हम आश्रय लें। किसी का भी आश्रय लेना नहीं चाहिए। धन्यवाद जी आप सबका। आशा करता हूँ आप सब लोगों को कथा अच्छी लगी होगी। जय माता दी।